साथियों, बहुत ही जल्दी तोताराम भाई जो हमारे हैं सौंद गांव से, तोताराम सिंगर हैं जो कि तोताराम सौंदिया लिखते हैं, इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और वो तिरछी बात पर आ रहे हैं। और जो हमारे भाई हर्ष मुग्धम जी हैं वो उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, इसीलिए तोताराम जी हमारे चैनल पर आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के सवालों के भी जवाब देंगे। कोई भाई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तोताराम भाई से तो वो अपना सवाल भी पूछ सकता है। हम तोताराम भाई से ही वो सवाल है, जो भी आपके सवाल होंगे उनको पूछने का यहाँ पे कार्य करेंगे। तो दोस्तों, अगली खबर है, पलवल जिले के टीकरी ब्राह्मण में आपसी विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला पर किया जानलेवा हमला। रोज पड़ोसी परेशान करते हैं और उनके ऊपर हमला कर दिया है। महिला बहुत परेशान है, उनका कहना है कि ये पड़ोसी रोज मुझे परेशान करते हैं और इनसे मुझे छुटकारा दिलाया जाए। अगली खबर है, पलवल के हिदायतपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर किया जानलेवा हमला। आपस में कोई विवाद चल रहा था और विवाद के चलते हुए एक युवक के ऊपर कर दिया लोगों ने हमला और हॉस्पिटल में भर्ती। दोस्तों, अगली खबर है, होडल में 14 अगस्त को होने वाली तिरंगा सम्मान यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां हुई पूरी, सम्मान पूर्वक निकाली जाएगी तिरंगा की यात्रा। और अगली खबर है, घोड़ी गांव के आश्रम में हुई चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच हेतु लाया गया अस्पताल। पहले मंदिर में चोरी हो गई थी तो किसी एक युवक को पकड़ा है चोरी के मामले में और उसका मेडिकल कराया जा रहा है हॉस्पिटल में। आलापुर चौक पर बाइक चालक को टक्कर मार फरार हुआ कार चालक इलाज हेतु लाया गया नागरिक अस्पताल में। टक्कर मार दिए, एक्सीडेंट हो गया तो इलाज के लिए उसको नागरिक अस्पताल में लाया गया है। होडल के पूर्व विधायक उदयबान ने तिरंगा सम्मान यात्रा को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा तिरंगा का नहीं किया जा रहा सम्मान, बीजेपी विकास तो कहीं कर नहीं रही है और तिरंगा को लेकर राजनीति कर रही है। ये आरोप उदयवान जी ने लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। तो भैया, कौन विकास करता है कौन विकास नहीं करता ये तो दुनिया को भी पता है, जनता को भी पता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। पलवल क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने KMP पुल के नीचे से एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम भरतपुर भिजवाया। दोस्तों, ये लग रहा है दिमागी संतुलन इनका खराब है, इनको अपने घर का पता नहीं है, अपना नाम भी नहीं बता पाए हैं और पुल के नीचे रहते थे और किसी ने जानकारी दी जो क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि भाई यहाँ पे एक आदमी है जो मांग मांग कर खाना खा लेता है और यहीं पर पड़ा रहता है। तो ये आए और इन्होंने इसको रेस्क्यू किया और इसको अपना घर आश्रम भरतपुर भिजवाया गया है, वहाँ पे इनकी अच्छी देखरेख हो जाएगी। अगली खबर है, पलवल रौनिजा गांव में बुजुर्ग माता पिता को पुत्र और पुत्र वधू ने मारपीट कर घर से निकाला, पीड़ितों ने पुलिस से लगाई गुहार। दोस्तों, ये जो इनके माता पिता हैं, इनमें जो इनका पिता था ये डॉक्टर था और डॉक्टर रहते हुए इन्होंने पूरे घर का जो सारा खर्चा था वो चलाया, भात और छूचे बच्चों के वो भरे, बच्चों को पढ़ाया और घर एक अच्छी कोठी में तब्दील किया, यानी कि एक अच्छी कोठी बनाई बच्चों के रहने के लिए। और एक दिन इनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से ये 4 महीने तक कोमा में रहते हैं, यानी कि याददाश्त को भूल जाते हैं कोमा में रहने की वजह से। उसके बाद ये डॉक्टरी अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये उसके बाद इनके बच्चों को बोझ लगने लगते हैं कि भाई अब तो ये कमा कर नहीं लाते, जब तक कमाते थे जब तक ठीक था, लेकिन अब उनकी याददाश्त जा चुकी है, अब वो कमा कर नहीं लाते हैं तो इनके बच्चों को, ये बच्चों और बहुओं को ये बोझ लगने लगे हैं, तो इनको घर से निकाल दिया है कि घर से जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही ज़माना है और ये कोई नई बात नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है माँ बाप के साथ और ऐसा ही उनके साथ उनके बच्चे करेंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को निकाला है, लेने का देना होता है ये तो। पलवल अल्लिका गांव में 13 वर्षीय छात्र की गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई, सबका पोस्टमार्टम कराया गया। दोस्तों, ये जो छात्र था ये अपनी स्कूल से आ रहा था पढ़ करके और रास्ते में कोई नया तालाब पड़ता है तो वहाँ पर ये नहाने लगा दोस्तों के साथ और जैसे ऊंचाई से ये पानी के अंदर कूदा तो नीचे उसमें कीचड़ था, कीचड़ में इसके पैर फंस गए इस बच्चे के और ये ऊपर नहीं उठ पाया। मदद के लिए जब बच्चे दौड़े तो बच्चे गांव में मदद के लिए गए तो आधा घंटा तकरीबन हो गया था पानी में रहते रहते, तो इनकी जान चली गई।
अगर वक्त पर मदद मिल जाती इस बच्चे को तो इसकी जान बच जाती, लेकिन वक्त पर मदद नहीं मिल पाई और इसकी जान चले गई। 13 वर्ष का था ये बच्चा और इसका जो पिता था वो पहले ही एक्सीडेंट में मर चुका था। तो इनका पिता नहीं था इस बच्चे का, सिर्फ माता जी थी और 13 वर्ष का ये बच्चा था, ये भी अब दुनिया से चल बसा। बहुत बड़ी चोट है माँ के ऊपर। मिंडकोला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 23 तारीख तक जमा होंगे आवेदन, 26 को जारी होगी पहली कट ऑफ लिस्ट। ये डेट को बढ़ाया गया है कोरोना का ध्यान में रखते हुए, तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते होंगे तो उनको ये जानकारी अवश्य सुननी चाहिए। 23 तक जमा होंगे आवेदन और 26 को जारी होगी पहली कट ऑफ लिस्ट। ये पहले ही हो जाता लेकिन कोरोना के चलते हुए इसको डेट को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें और मैं उम्मीद करूँगा आपको आपके आस पड़ोस की खबरें मिल जाती हैं और आपको अच्छा भी लगता होगा यह प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम कल फिर लेकर आएंगे आपके समक्ष, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।